Hey there, you're listening to The Quint. Arziyan sari main chehre pe likh ke laaya hu tumse kya तुम खुद ही समझ लो मौला। ए खुदा, मैं तेरे दरबार में अपनी परेशानियां पेश कर रहा हूं, लेकिन तू क्योंकि खुदा है तो तेरे सामने मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मेरे चेहरे से ही तू अंदाजा लगा सकता है। मरम्मत मुकद्दर की कर दे मौला, प्लीज रिपेयर माय डेस्टिनी। उर्दू नामा में आज जिस वर्ड पे हम बात करने वाले हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? दैट्स राइट, अर्जियां। वेलकम टू द क्विंट एंड क्विंट हिंदीज उर्दू नामा। मैं हूँ फबेहा सैयद। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस पॉडकास्ट सीरीज के जरिए हर 15 दिन में एक बार मैं आपके लिए एक वर्ड लेकर आती हूँ, एंड ऑल्दो जस्ट वन वर्ड एट अ टाइम। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सिर्फ एक ही वर्ड बता के हम कह रहे कि भाई दैट्स इट, एक ही वर्ड की बात हुई थी, आगे हम कुछ नहीं बोलने वाले। वर्ड सिर्फ एक बहाना होता है, उसके बहाने आपको और कई सारे अल्फाज हम बताते चलते हैं, उनका मतलब, कॉन्टेक्स्ट वगैरह वगैरह। इस तरह से समझाते हैं कि आप अगले एपिसोड का इंतजार करते हैं। हाँ, तो कहाँ थे हम? यस, अर्जियां। अर्जी यानी कि एप्लीकेशन। और जो डेली 6 की कव्वाली भी आप शुरू में सुन रहे थे, इसको लिखा है प्रसून जोशी ने और गाया है, फिल्म में गाया है जावेद अली ने। उर्दू जबान में एक दूसरा अर्ज भी होता है जिसका मतलब है एरिया, चौड़ान। जब रनिंग फैब्रिक खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं ना दुकानदार से, आपके भैया इस कपड़े का अर्ज कितना है, आपके मतलब का होता है तो आप खरीद लेते हैं। फिर उर्दू में हम कई बार ये भी कहते हैं ना कि भाई अर्ज किया है, फिर जो भी बोलना होता है, पोइट्री या जो भी बात आपको कहनी होती है आप उसके बाद कहते हैं। तो अर्ज किया है का मतलब कि हम आपसे इजाज़त लेते हैं बोलने की। आई मीन ऑफ कोर्स नो वन वेट्स फॉर इजाज़त है कि नहीं और बोलना शुरू कर देते हैं, बट जस्ट अ वे टू से अर्ज किया है। तो इस एपिसोड में अर्जी को हम एप्लीकेशन के हवाले से समझेंगे, और उर्दू नामा में इस वर्ड को बहुत ही प्यार से, बहुत ही खूबसूरती से समझा रहे हैं ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती। उर्दू नामा का ये पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। द क्विंट और क्विंट हिंदी की ये सीरीज आप एप्पल पॉडकास्ट्स, गूगल पॉडकास्ट्स, स्पॉटिफाई और जियो सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।